तो आज हम लोग फिर से आपके लिए ड्यूक लेके आ चुके हैं, तो हमारी फ्यूलिंग भी हो चुकी है पकड़ा लेना अच्छा से। और जो इसको पीलियन होता है ना यार, वो अगर अच्छे से नहीं पकड़ा तो पीछे उड़ ही जाएगा। कॉर्नरिंग तो इसमें बहुत ही बढ़िया होती है यार। तो यहाँ पे बहुत ही रिएक्शंस मिल रहे हैं हमें, और ये देखो बच्चे लोगों का रिएक्शन देखो, सारे रिएक्शंस दे रहे हैं यार। देखो हमारे क्विक शिफ्टर विदाउट क्लच, तो गाइस हम लोग कुछ ऑसम सी रील शूट करने की ट्राई कर तो देखो ऐसी हो रही है हमारी रील्स। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी एब्सोल्युटली वेल एंड फाइन होंगे। तो आज हम लोग फिर से आपके लिए ड्यूक लेके आ चुके हैं, और इसको जो चलाने का मज़ा है ना यार, वो अलग ही लेवल का है। बिकॉज़ जो KTM के बाइक में जो पावर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू इस कोई भी CC की अगर बाइक ले लो। एंड द ड्यूक 200 ऑफर्स यू 25.83 PS पावर एंड 19.5 न्यूटन मीटर टॉर्क, विच इज़ द बेस्ट थिंग ऑफ कोर्स एज़ कम्पेयर टू 200 CC सेगमेंट्स बाइक्स। एंड बाइक में थोड़ी फ्यूलिंग कम थी इसलिए हम लोग आए फ्यूलिंग कराने, तो हमारी फ्यूलिंग भी हो चुकी है पकड़ा लेना अच्छा से। इस बाइक के चलाने का मज़ा है ना यार बहुत ही मज़ा आता है इस बाइक को चलाने में। और जो इसको पीलियन होता है ना यार, वो अगर अच्छे से नहीं पकड़ा तो पीछे उड़ ही जाएगा। हवा से बातें करती है मैं तो आप लोगों से बात करना भूल ही जा रहा हूँ यार। इसे चला रहा हूँ ना तो इतना मज़ा आ रहा है ना कि मन कर रहा है कि चुपचाप चलाता ही जाऊँ। कॉर्नरिंग तो इसमें बहुत ही बढ़िया होती है यार। तो यहाँ पे कर रहे थे हम लोग फोटो शूट रिंग रोड में। तो यहाँ से हमें लेनी है लेफ्ट, जो राइट साइड है वो जाती है रांची मुरादाबादी। ये रास्ता तो आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे हर गांव वाले व्लॉग में। ब्लास्ट हो रही है कि 109 पार ही नहीं कर रही है। विंड ब्लास्ट बहुत ही ज़्यादा है यार।
बस रोड में जो जानवर आ जाते हैं ना, बस उनसे डर लगता है कि कहीं बीच में ना आ जाए। और इधर का व्यू देखो, अभी सारे खेतों में धान लग चुकी है और पूरी हर तरफ तो हरियाली हरियाली दिख ही रही है, उसका तो एक अलग ही सी वाइब आ रही है। देखो हर तरफ धान लग चुकी है। पूरा धूल उड़ाता यार तो वो ट्रक। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चंद्रवे चौक में, जैसा कि आप बोर्ड में देख सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ही रिएक्शंस मिल रहे हैं हमें, और हमें जाना तो इधर ही से, बट हमें चाची के घर जाना है, कुछ सामान लेनी है हमें। और ये देखो बच्चे लोगों का रिएक्शन, देखो सारे रिएक्शंस दे रहे हैं यार। देखो हमारे क्विक सीटर विदाउट क्लच, तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं चंद्रवे पिठोरिया वाली रास्ते में। और बाय द वे ये देखो हमारी क्विक शिफ्टर बहुत ही अच्छे से वर्क कर रही है, विदाउट क्लच के गियर शिफ्टिंग हो रही है विदाउट एनी प्रॉब्लम। और सामने जाती है पिठोरिया और हम लोग यहाँ से राइट मोड़ रहे हैं, ये है सोसो मोड़, और यहाँ से शुरू होता है हमारा ऑफ रोडिंग। तो गाइस इस रास्ते में बहुत ही ज़्यादा ही रूट ख़राब है और ये रास्ता सालों सालों से ही ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई ध्यान नहीं देता है। और ढेर सारे गांव के लोग इसी रास्ते से आया जाया करते हैं, और सभी गांव के लोग शहर जाते हैं काम करने के लिए, उन लोगों को बहुत ही दिक्कत होता है। और बारिश में तो ये रोड इतनी ख़राब हो जाती है कि एक बार एक्सीडेंट भी हुआ है इस रास्ते में। अभी तो शुरुआत ही है और आगे तो और भी रास्ता ख़राब है। ये देखो गांव से जाते हैं लोग मोटरसाइकिल से शहर काम करने के लिए, और उन्हें दिक्कत तो होती ही है, साथ ही साथ उन्हें बहुत लेट भी होता है। ये देखो ये टेम्पो में सब शहर ही जाते हैं काम करने के लिए। टी रास्तों में बड़े बड़े डंपर सब भी चलते हैं ना, इसलिए ये रोड ज़्यादा ही ख़राब हो रखा है। और ये देखो दोनों ऑटो में लेबर लोग जाते हैं शहर काम करने के लिए। तो ये देखो कितनी छोटी सी स्पेस में पार करूँ बाइक को, और हमारे लेफ्ट साइड में डाला। तो हम लोग गाइस आ चुके हैं उबड़ खाबड़ रास्तों से निकल के थोड़ी सी अच्छी जगह में। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने गांव, गांव से फिर थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे फोटो शूट के लिए और जाएंगे एक अच्छी सी लोकेशन में। निकल चुके हैं अपने घर से फोटो शूट के लिए, और यहाँ पे है गाँव का तालाब, और इधर है छोटी सी गवर्नमेंट स्कूल। और देखो इधर की खेत क्या मस्त ले रही है, सभी पौधे एक बराबर, और इसमें जो लीनिंग करने में मज़ा आता है ना यार, इतनी चौड़ी चौड़ी इसकी व्हील है। ये वाली जो ज़मीन दिख रही है ना दोस्तों, ये हमारी ज़मीन है, यहाँ से शायद यहाँ तक, और यहाँ उतना यूज़ नहीं करते उस ज़मीन को, इसलिए वहाँ पूरी झूड़ हो रखी है। तो गाइस फिर से हमारा शुरू होता है यहाँ से ऑफ रोडिंग। देखो भाई पूरी फॉर्म में आ गया। ये अभी हम लोग रुके हैं कुछ मार्केट है शायद ये वाला। ये देखो ड्यूक 200 की साइड प्रोफाइल, क्या ऑसम लगती है यार, बहुत ही सेक्सी दिखती है, बहुत बहुत। तो भाई साहब हमें कुछ पार और उसी देर में पहुंचने वाले बवे, ये रहा बवे। ये देखो आगे का नज़ारा, सामने पूरी पहाड़, और ये हम लोग करते कॉर्नरिंग। तो गाइस हम लोग कुछ ऑसम सी रील शूट करने की ट्राई कर तो देखो ऐसी हो रही है हमारी रील्स। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। तो
तो गाइस वहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही सारे फोटो शूट और रील्स ले लिया है, तो आपको मिल जाएगी हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे, तो जाके फॉलो करो। इंस्टाग्राम की आईडी स्क्रीन पे शो हो रही है, तो जिन्होंने भी फॉलो नहीं किया यार फॉलो करो यार, और इंस्टाग्राम पे भी सपोर्ट दिखाओ। और बाकी आज तो हमें रिएक्शंस बहुत ही मिले, KTM ऊपर से हेलमेट पे कैमरा लगा हुआ है। और ये रहा कुछ चौक, ये पेट्रोल पंप देखो यार, यहाँ की मेंटेनेंस पूरी खराब है। यहाँ पे बैरियर्स क्यों लगाए हुए हैं यार, गाड़ी पूरी चेकिंग हो रही है। बट हमें क्या लेना देना, हमें तो उधर जाना ही नहीं है। और सामने है ब्लू पॉइंट वाला रास्ता, और तभी हम लोगों ने इधर राइट से गया था। तो भाई लोग पूरे फॉर्म में है, देखो स्कूटी को पूरा दौड़ा रहे। ये देखो यही राइट वाली रास्ता जाती है मार्ग गांव की जंगल की ओर। और इसकी सस्पेंशन तो बहुत ही अच्छे तरह से काम कर रही है विलेज एरिया वाली रोड में। स्कूटी में बहुत ही यहाँ बाउंसिंग बाउंसिंग होती है। तो अभी हम लोग अपने गांव में एंटर कर चुके हैं। पब्लिक रिएक्शंस ले रहे थे गांव में। तो गाइस अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।